हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं आईपीएल के 43वें मुकाबले को, जो होना है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच 29 सितंबर को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। दोस्तों, एक तरफ जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मुंबई जैसी मजबूत टीम को हरा के आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने पिछले मुकाबले में इस सीजन 2021 के आईपीएल के सबसे फिसड्डी टीम सनराइजर हैदराबाद से हार के आ रही है। दोस्तों, यहां पर दोनों टीमें अपने जीत के लिए कसमकस करेगी, जहां विराट की कोहली जीत के साथ प्लेऑफ की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए सारे मुकाबले ऑलमोस्ट नॉकआउट की तरह से हो गया है। अब यहां पर हार की गुंजाइश नहीं है प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच से संबंधित दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को। अब इस पिच को देखेंगे, जो दुबई का इंटरनेशनल का ग्राउंड है, यहाँ पर पिच कैसे खेलने वाली है इस मैच के दौरान। टॉस प्रिडिक्शन, मैच प्रिडिक्शन के साथ साथ बेहतरीन ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे, जिसे पिक करके आप ड्रीम इलेवन के ऐप पर मनोरंजन के साथ साथ काफ़ी ढेर सारा पैसा अर्न कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे आप कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। चैनल के माध्यम से क्रिकेट संबंधी सारी छोटी बड़ी अपडेट देने के साथ साथ सभी मैचों की बेस्ट ड्रीम इलेवन टीम बिल्कुल फ्री में दी जाती है, जिसे पिक करके आप ड्रीम इलेवन पर काफ़ी बढ़िया अर्निंग कर सकें। दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो हमें इस मैच के लिए ड्रीम इलेवन टीम बनाने में मदद करने वाली है। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाला यह आईपीएल का 43वां मुकाबला, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला है, तो यहाँ की पिच की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बैलेंस विकेट है। यहाँ पर बैटिंग में एक बार सेट हो जाने के बाद ढेरों रन बनते हैं, तो वहीं गेंदबाजों को भी अच्छी खासी मदद मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है। दोस्तों, यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है, जहां बल्लेबाजी में आरसीबी के लिए विराट कोहली के साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स जैसे धुरंधर बल्लेबाज हैं, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की ओर से यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन के साथ साथ महिपाल लोमर जैसा पावर हिटर भी है। इसके अलावा गेंदबाजी में भी दोनों टीमों में काफ़ी कमाल के गेंदबाज हैं, तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मैच किस करवट जाने वाला है। बात करें यहाँ इस वेन्यू पर हुए अब तक कुल मुकाबलों की, तो 64 मुकाबले हुए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 35 बार जबकि बाद में बैटिंग करते हुए 28 बार टीमें जीती हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है, टाई पर छूटा है। पहले इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 145 बनता है। हाईएस्ट टोटल श्रीलंकन टीम द्वारा 211 किया गया था, जबकि लोएस्ट टोटल कीनिया की टीम ने 71 रन पर ऑल आउट होते हुए बनाई थी। बात करें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले की, तो कुल मिला के 24 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 11 बार आरसीबी और 10 बार राजस्थान रॉयल्स जीते हैं। एक मुकाबला टाई और दो मुकाबले हो ही नहीं पाए थे कंप्लीट, इस तरह से ख़त्म हुए हैं। बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो राजस्थान के लिए एविन लुइस, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, लिविंग स्टोन, रियान पराग, महिपाल लोमरोर, राहुल टेवटिया, क्रिस मॉरिस, रवि बिश्नोई, चेतन साकरिया और मुस्तफिजुर रहमान की जगह बनती नजर आ सकती है। तो वहीं आरसीबी के लिए कोहली, पाडिकल, श्रीकांत भरत, मैक्सवेल, डिविलियर्स, डेनियल क्रिश्चियन, शहबाज अहमद, काइल जेमिसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल की जगह बनती नजर आ रही है। दोस्तों, आइए अब चलते हैं ड्रीम इलेवन के ऐप पर और देखते हैं हमें कौन कौन से प्लेयर पिक करने चाहिए, जिससे ड्रीम इलेवन में हमें अच्छी अर्निंग हो। दोस्तों, टीम बनाने से पहले आपको हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि टॉस के बाद दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 क्लियर होने के बाद टॉस कंडीशन और फाइनल प्लेइंग 11 के कंडीशन पर एक बार टीम को अपने जरूर स्किप कर लेना है। फिलहाल जो हम टीम बनाने जा रहे हैं, इसमें क्रेडिट का भी इशू रहने वाला है, तो हमें एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ टीम बनानी होगी, जिससे कई बढ़िया सारे खिलाड़ी एक साथ हम एक टीम में पिक कर सकें।
तो विकेट कीपिंग के ऑप्शन में जहां राजस्थान रॉयल्स के लिए उनके विकेट कीपर कैप्टन संजू सैमसन को पिक करेंगे, जिन्होंने बैक टू बैक दोनों पिछले दो मुकाबलों में हाफ सेंचुरी लगाई थी। इसके अलावा शिकार भरत को भी पिक करेंगे नंबर 3 पर, पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करने के साथ साथ विकेट कीपिंग का भी जिम्मा संभालेंगे। और इस हाई क्रेडिट वाले मुकाबले में हमें केवल 8 क्रेडिट में मिल जा रहे हैं, तो क्रेडिट मेंटेनेंस में भी इनका रोल अहम होने वाला है। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी के ऑप्शन में एबी डिविलियर्स जो नंबर 5 पर खेलने आ रहे हैं, फिलहाल इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, फॉर्म इनके वापस नहीं मिल पाई है अभी तक। आप चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा यहाँ क्रेडिट को भी मेंटेन रखना पड़ेगा और डिविलियर्स के लिए हमें 10 क्रेडिट खर्च करने पड़ेंगे। तो फिलहाल आप इनको चांस लेकर छोड़ सकते हैं, खासकर अगर इनकी टीम पीछे बैटिंग करे और चेज का करने का प्रयास करे तो इन्हें आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनकी जगह पर विराट कोहली या मैक्सवेल को भी ट्राई कर सकते हैं ड्रॉप करने के लिए। फिलहाल इनको ड्रॉप करते हुए हम विराट कोहली, एविन लुइस के साथ साथ देवदत्त पेडिकल और एक और बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पिक करेंगे। बाकी आगे ऑलराउंडर के ऑप्शन में ग्लेन मैक्सवेल को हम पिक करेंगे। क्रिस मॉरिस भी बेहतर विकल्प हैं, लेकिन आप देख सकते हैं 4 पिक करने के लिए हमारे पास केवल 36 क्रेडिट बचे हैं, और क्रिस मॉरिस को अगर हम लेने जाएं तो 9.5 खर्च करने पड़ेंगे, तो आगे हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इनकी जगह पर हम 4 गेंदबाज भी रखना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं पिछले मैच के हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हर्षद पटेल को हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान भी काफ़ी बढ़िया काम करते आ रहे हैं। दोस्तों यजुवेंद्र चहल को भी हम पिक करेंगे, जो काफ़ी क्वालिटी स्पिनर्स हैं और शानदार काम कर रहे हैं पिछले कुछ मुकाबलों से। और एक और पिक दोस्तों हम यहां पर चेतन साकरिया के रूप में रखते हुए अपनी टीम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस टीम के कैप्टन हम इस बार विराट कोहली को, जबकि वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल को बनाने वाले हैं। और टीम प्रीव्यू पर नज़र डालें तो टीम के 2 विकेट कीपर सैमसन और भरत हैं, 4 बैट्समैन विराट कोहली, एविन लुइस, देवदत्त पेडिकल और यशस्वी जायसवाल हैं, 1 ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, जबकि टीम में 4 गेंदबाज हैं चहल, हर्षल पटेल, मुस्तफिजुर रहमान और चेतन साकरिया। टीम के कैप्टन विराट कोहली जबकि वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल हैं। दोस्तों इस मैच में टॉस राजस्थान रॉयल्स जीतेगी, जबकि मैच RCB के नाम जाने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।